सड़े हुए फल मम्मी जी, ये टोकरी तो गोपी ने पैक की थी और मेरा भी ध्यान नहीं गया। ठाकुर जी, बा अगर ये कोकिला ने देख लिया ना तो आज घर में आफत आ जाएगी। शगुन की टोकरियां कहाँ हैं? जी वो बा और मम्मी जी अंदर। कागड़ी अंदर जल्दी जाओ और खुद ही चोरी पकड़ो। क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा कागज थोड़ा निकल गया था इसलिए हम लगा रहे हैं। हाँ ठीक कर रहे थे। वो लोग निकलने वाले हैं, जल्द कीजिए। वैसे भी गोपी ने तो तैयारी करके रखी थी, तो फिर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी चलिए। अरे आप लोगों ने इतना कुछ दिया है, हम तो खाली आती चले आए। अगर पहले पता होता तो क्या हुआ? ठाकुर जी ने चाहा तो अब आना जाना लगा ही रहेगा। केशव काका जी, नहीं। ये सारा सामान इनकी गाड़ी में रखवा दीजिए। आइए हम बाहर तक छोड़ते हैं आपको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बा केवल आ गया मेहता परिवार ना लोगों सारू छे। ठाकुर जी करे किंजल बिन का रिश्ता पक्का हो जाए। चुप। बंद करिए भोली बनने का नाटक। आज तो तूने हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज तक तुम घर में खेल खेलती आ रही हो, लेकिन आज तुमने घर के बाहर पांव निकाला है, वहां जहां मेरी बेटी का रिश्ता होने वाला है। की थी, क्या बात है, गोपी से कुछ गलती हो गई? गोपी, तुमने शगुन की टोकरी में सड़े हुए फल रखने की हिम्मत कैसे की? जी
सड़े हुए फल टोकरी बस कर वरना आज पता नहीं मैं क्या से क्या कर डालूंगी। इतना बड़ा झूठ, सफेद झूठ। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने तो माँ जी। बस तुमने सिर्फ और सिर्फ खेल ही खेले हैं, लेकिन आज का खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा छोकरी। आज तुमने मेरे घर की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है, मेरी बच्ची के नसीब को मटिया मेट करने की कोशिश की है तुमने। मैंने खातिर कर ली थी, उस फल की टोकरी में एक भी सड़ा हुआ फल नहीं गया है। आपने खातरी नहीं की मोटा भाभी, गोपी को बचाने की कोशिश की है, इसके जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की है। मैंने अपनी आंखों से देखा है गोपी, आज तो रिश्ते की बात चली है, कल को मेरी बेटी का लगन होगा और तब पता नहीं पीठ के पीछे ऐसी कौन सी हरकत कर देगी ये कि मेरी बेटी का भविष्य तो बर्बाद होगा ही, पर हमारे घर की इज्जत पर ऐसी कालिख पुतेगी कि लाख रगड़ने के बावजूद कभी साफ नहीं होगी। और मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। कोकिला बहू तू अब मेरे और मेरी बहू के बीच कोई नहीं आएगा। तुम्हें गोपी, तुम्हें हीरा समझकर मैं लाई थी, लेकिन ये पत्थर निकला। कोई बात नहीं, पत्थर को तराशना मुझे अच्छी तरह से आता है और अब मैं तुम्हें तराशूंगी। मैं अब यहां फालतू में क्या खड़ी खड़ी लोगों की सहानुभूति चाहिए तुझे? हाँ चल सीधे सीधे पोताना रूम में जा। वैसे मुझे समझ में नहीं आता गोपी कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। कोई भी ऐसी हरकतें तब करता है, कब करता है, या तो अपने पागलपन में या उसे किसी से दुश्मनी हो। पागल तो तुम हो नहीं, और भला हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है। और अगर ये तुम्हारे दिमाग की उपज है ना, तो उसे ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है, समझी गई? और अगर तुम्हारे बहाने किसी और का दिमाग चल रहा है, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी सारी कलाकारी भूल जाए। चल जा।